बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम विलेज देसी पकवान में खुश आमदीद। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और रेसिपी के साथ और बहुत ही मज़ेदार। आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी फ्रूट चाट और उसके लिए मैंने एक पैकेट क्रीम ली थी। इसमें मैं मायोनीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही और इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें चीनी मिक्स करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चीनी क्रीम में अच्छी तरह मिक्स हो गई है, आप देख सकते हैं। इसके लिए 1 कप मैंने मैक्रोनी ली थी और उसे बॉईल कर लिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1 कप सेब लिया था, उन्हें छिलके उतार के तो 1 कप उनका बन गया। 2 सेब लिए थे, सेबों को भी इसी बाउल में मैक्रोनी के अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे 5 से 6 अदद केले लिए थे, उन्हें भी काट लिया था, वो भी इसमें डालेंगे। यहाँ पे 1 आड़ू लिया था, उसके छिलके उतार के उससे क्यूब में काट लिया, आप देख सकते हैं, वो भी इसमें डाल देंगे। आप इसमें जो भी फल शामिल करना चाहें कर सकते हैं। अब ये जो क्रीम थी हमारे पास वो इसमें डालेंगे। थोड़ा सा 2-3 चुटकी इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैंने किशमिश ली थी, वो इस पे डाल देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी खजूरें ली थी, उन्हें छोटा छोटा काट लिया था, वो भी इस पे डाल देंगे। थोड़े से कटे हुए बादाम है मेरे पास, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार क्रीमी मैक्रोनी फ्रूट चाट हमारी बनके तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर हाज़र होंगे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।